चंबल में कभी गडरिया गैंग की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। गडरिया गैंग का वो सरदार जिसने मध्य प्रदेश की पुलिस की नाक में दम कर दिया था। गडरिया गैंग के सलाह से ही सांसद, विधायक और सरपंच चुने जाते थे। इसके फरमान के बाद ना तो किसी अदालत में सुनवाई होती थी और ना ही किसी अदालत में फैसला होता था। इसका फरमान ही आखिरी अदालत थी। दरअसल यह कहानी है चंबल के उस शेर की जिसने एक समय में चंबल के बेहड़ों में अपना साम्राज्य कायम किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंबल के शेर रामबाबू गडरिया की। रामबाबू गडरिया के गिरोह में कितने डाकू थे ये कभी पुलिस को पता नहीं लग पाया। पूरा गिरोह कभी किसी वारदात में एक साथ शामिल नहीं हुआ। रामबाबू अपने साथियों का बदल बदल कर उपयोग करता था। अनेक वारदातों को अंजाम देने वाले इस गिरोह का अंदाज सबसे अलग था। इसी गिरोह ने 13 गुर्जर ग्रामीणों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया था। गडरिया गिरोह लूटपाट और फरौती के जरिए करोड़ों की संपत्ति जुटाई थी। आंकड़े बताते हैं कि गडरिया गिरोह सिर्फ अमीरों को लूटता था। रामबाबू और दयाराम पर लगभग 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो आज के समय में लगभग 1 करोड़ है। इस गिरोह का काम करने का तरीका सबसे अलग था। मध्य प्रदेश पुलिस कभी ये पता नहीं लगा पाई कि आखिरकार इस गिरोह में कितने सदस्य हैं। इस गिरोह को ख़त्म करना मध्य प्रदेश पुलिस की सिरदर्दी बन गई थी। माना जाता है कि सन 1997 में रघुवीर गडरिया ने इस गिरोह को बनाया था। सन 1999 में गोली लगने की वजह से रघुवीर गडरिया मारा गया, उसके साथ 3 और लोग मारे गए। सन 2000 में इसके कई और सदस्य भी पुलिस के हत्थे चढ़े और वो भी मारे गए। अब पुलिस वालों के सामने 2 ही लोग निशाने पर थे, एक रामबाबू गडरिया और दूसरा दयाराम गडरिया। साल 2006 में पुलिस से मुठभेड़ में दयाराम गडरिया भी मारा गया और 2007 में रामबाबू गडरिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। लगातार 2 दिन चली मुठभेड़ में रामबाबू गडरिया मारा गया। साथियों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।